हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम गेम थ्योरी का टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टेक्निक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी थ्योरम और स्पेक्ट्रम बुक्स की एग्जांपल की थी, अब हम परसाइज की बुक में एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 17। सो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हमें प्लेयर ए गिवन है और प्लेयर बी गिवन है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, सैडल पॉइंट। तो हम इसका सैडल पॉइंट निकालते हैं बाय यूजिंग मिनीमैक्स या मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स प्रिंसिपल। सो यहां से हमने निकाल दी मिनिमम एंट्री, दैट मीन्स -1, 3, -2। देन उसके बाद हमने निकालनी है मैक्सिमम एंट्री, 6, 5, 3। यहां से हमारा क्लियर हो रहा है कि V बार इज नॉट इक्वल टू V बार, कोई भी हमारे पास सैडल पॉइंट नहीं आया है, क्योंकि हमने इसका क्या निकालना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या आ रहा है, -1। इनका हमने निकालना है मिनिमम, तो मिनिमम हमारा आ रहा है 3। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आया है। सेकेंड स्टेप वो क्या होता है हमारा, हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या आ रहा है हमारा, -3, उससे एक ज्यादा हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 3 से एक ज्यादा मतलब 4 को हमने ऐड कर देना है पूरे मैट्रिक्स में। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया, पॉजिटिव। दैट मीन्स 1 + 3 = 1 + 4 = 5, 4 - 1 = 3, 4 + 3 = 7, ऐसे 7, 9, 1, 10, 6, 2 आ गया। यहाँ पे जो प्रसाइज की बुक है वो क्या यूज कर रहा है, x1, x2, x3। y के लिए यूज कर रहा है y1, y2, y3। हम क्या यूज कर रहे थे, p1, p2, p3, q1, q2, q3। आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सो उसके बाद हमने प्रॉब्लम बी ली। प्रॉब्लम बी क्या ले रहा है, हमारी प्राइमल प्रॉब्लम के साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे ले लिया मिनिमम ऑफ वी डैश, दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ 1/v-, ये किसके इक्वल होता है, क्यू, y1 + y2 + y3। उसके बाद हमने कंस्ट्रेंट्स ले ली। कंस्ट्रेंट कैसे लिखते होते हैं, y1, y2, y3 के साथ मल्टीप्लाई करके, 5 × y1 + 3 × y2 + 7 × y3 > 1। ऐसे यहाँ पे बनाया 7 × y1 + 9 × y2 + y3 > 1, 10 × y1 + 6 × y2 + 2 × y3 > 1, वेयर y1, y2, y3 > 0। और वाई जे किसके इक्वल होता है, स्मॉल वाई जे अपॉन वी वी डैश, वेयर जे इज इक्वल टू 1, 2, 3। उसके बाद हमने प्रॉब्लम को किसके साथ सॉल्व करना है, सिंप्लेक्स मेथड के साथ, जो हमने थर्ड सेम में किया है। सो हमने स्लैक वेरिएबल्स को ऐड कर दिया, y4, y5, y6, और इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स आ गए हमारे पास। देन यहां पे हमारे क्या आएगा, 0, y4, क्योंकि स्लैक वेरिएबल्स का कोफिशियंट क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद हमने मैट्रिक्स बनाना है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, सीजे में क्या लिखते हैं इसके कोफिशियंट, 1, 1, 1, 0, 0, 0। ऐसे सीबी के कोफिशियंट क्या आ जाएंगे, जो स्लैक के हैं, स्लैक के कोफिशियंट क्या लेकर चल रहे हैं हम, 0, 0, 0। तो एक्स बी की वैल्यू क्या आ रही है, 1, 1, 1। तो यहाँ पे पुट कर दिया सिंपली, यहाँ पे कहेंगे इनके कोफिशियंट y1, y2, y3, y4, y5, y6 के। तो सिंपली यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, जेड जे फाइंड किया है। जेड जे कैसे फाइंड करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके, 0 × 5 + 0 × 7 + 0 × 10, दैट मीन्स 0। और डेल्टा जे कैसे निकालते हैं, जेड जे माइनस सी जे। तो 0 - 1 = -1, 0 - 1 - 1, 0 - 1 - 1, 0 - 0, 0। यहाँ पे हमने इसको कर दिया एड, क्योंकि ये क्या है हमारा, मोस्ट नेगेटिव है। और उसके बाद डिवाइड करके देखा, सबसे छोटा कौन है, 1/10, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो डिवाइड करके के देखेंगे तो ये सबसे छोटा होगा। देन यहाँ पे हमारा बन गया 10। इसका मतलब हमने यहाँ पे बनाना है 1 और यहाँ पे 0, 0।
सो R3 पे ऑपरेशन लगाया R3 अपॉन 10। R1 पे ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, हमने बनाना है 0, दैट मीन्स R1 माइनस, इसको अगर 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, तो R3 अपॉन 2 आ गया। ऐसे हमने R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस 7, यहां पे हमने क्या बनाना है, 7 लेकर आना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 बाय 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि जो हमारा 10 भी कैंसिल हो जाए, तो 7 बाय 10 आ गया। कौन सी रो है, R3। तो ये ऑपरेशन हमने यूज करके ये मैट्रिक्स बना दिया। देन फिर से डेल्टा जे चेक किया, कौन सा सबसे नेगेटिव आ रहा है, -4/3 मोस्ट नेगेटिव आ रहा है, इसको कर दिया एंटर। देन डिवाइड करके देखा, ये हमारा आ रहा है मिनिमम, तो 6 हमारा क्या बन गया, कॉमन आ गया। दैट मीन्स यहां पे हमने बनाना है 100। अगर आपको ऐसे डेल्टा जे टफ लगता है तो पहले आप क्या करोगे, जेड जे निकालोगे। जेड जे कैसे निकालते हैं, 0 × 0 + 0 × 0 + 1, ऐसे हम इस सभी का निकालेंगे। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 3/5, 1/5, 0, 0, 1/10, 1 बस। देन उसके बाद माइनस करोगे, 1 - 1 = 0, 3/5 - 1 = -2/5, 1/5 - 1 = -4/5, ऐसे 0, 0, 1/10। देन ये बन गया मोस्ट नेगेटिव। देन इसको रिमूव कर देंगे और इसको भी, इसको एंटर कर देंगे और इसको रिमूव कर देंगे, तो इसकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी Y3। जैसे हमने यहाँ पे Y1 लिखा है, ऐसे हम Y3 लिख देंगे। मेन टारगेट क्या है, हमने स्लैक वेरिएबल्स को यहाँ पे रिमूव करना है। और सिमिलरली Y1 का जो कॉफिशियंट है वो क्या आ रहा है, 1, तो यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे ऑपरेशंस लगाकर, यहाँ भी उन्होंने ऑपरेशंस नहीं लिखे हैं तो हमने लिखने हैं। सो R1 पे ऑपरेशन लगाया हमने, R1/6, तो ये बन गया 1। उसके बाद R2 पे हमने ऑपरेशन लगाएंगे, R2 यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना देते हैं, 2/5 लेकर आना है हमने, 2/5। सो यहाँ पे हमने लेकर आना है 2/5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 के साथ, और 6 को रिमूव करने के लिए 6 के साथ डिवाइड कर दिया, ये बन गया हमारा R1। देन इसको अप्लाई करके देखते कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। R2 - 2/5 + 2/5 × 6/6, तो 6 के साथ 6 कैंसिल, -2/5 के साथ 2/5 कैंसिल। ऐसे हम R3 पे लगाएंगे, R3 - यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर से हमें क्या चाहिए, 1/5 चाहिए, तो यहाँ पे हमने कर दिया 1/5 × 6 को रिमूव करने के लिए डिवाइड भी कर दिया 1/6, तो ये बन गया R1। सो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो 1/15 के साथ इस R2 का ऑपरेशन लगाएंगे, ऐसे R3 - 1/30 R1। देन ऑपरेशंस को यूज करके ये हमारा बन गया सबसे मोस्ट नेगेटिव, तो इसको कर दिया एंटर, और यहाँ पे हमारा बन रहा है सबसे मिनिमम, तो इसको कर दिया लीव, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, Y2। अब यहां से क्लियर हो रहा है कि Y1, Y2, Y3 आ गया, तो हमारी क्या आएगी, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी आ जाएगी, या ऑप्टिमलिटी डिक्लेयर हो जाएगी। देन फिर से हमने ऑपरेशंस लगाए, यहाँ पे हमारा 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 1 और 0 बनाना है। देन ऑपरेशंस अप्लाई किए, तो हमारे पास लास्ट में मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पे फिर से नेगेटिव आ गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, > 0 चाहिए, तो इसको कर दिया फिर से एंटर, और ये हमारा हो गया लीव, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे Y1 की जगह लिख देंगे Y6। देन यहाँ पे हमने बनाना है 100, फिर से ऑपरेशंस लगाएंगे, देन हमारा मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 001, और यहाँ पे क्या आ गया, Y6, तो हमारी ऑप्टिमलिटी डिक्लेयर होगी। तो Y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे Y1 नहीं आ रहा है। Y2 की वैल्यू आ गई 1/10, Y3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/10,
दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है. ऐसी स्मॉल वाई वन वाई टू वाई थ्री की वैल्यू निकालेंगे. वो कैसे निकालेंगे, वाई वन इंटू वी वन, जैसे हमने स्पेक्ट्रम की बुक से किया था. वहां पे हम क्या करते थे, क्यू जे डैश मल्टीप्लाई वी, वैसे हमने यहाँ पे किया है. यहाँ पे क्यू जे की जगह हम वाई वन ले रहे हैं और वी की जगह वी डैश ले रहे हैं. सो आप कोई भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. इसको मल्टीप्लाई किया जीरो, वाई टू वी डैश क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे v की वैल्यू कैसे निकालनी है, तीनों को प्लस करके. प्लस करके देखो इनकी वैल्यू जीरो प्लस वन बाय टेन प्लस वन बाय टेन, तो आ गया टू बाय टेन. टू बाय टेन इज टू, वन जा टू, टू 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 फाइव जा टेन, तो वन बाय फाइव हमारी v डैश की वैल्यू आ गई. तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, वाई टू मल्टीप्लाई वन, दैट मीन्स वन बाय टेन मल्टीप्लाई, ये हमारी वैल्यू किसकी है, वन अपॉन वी डैश की. तो वी डैश की वैल्यू आ गई फाइव. सो फाइव अपॉन टेन इज वन बाय टू, वन बाय टू. उसके बाद हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, स्मॉल x1 x2 x3 की. ये मेथड आपको करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने स्पेक्ट्रम वाला रूल यूज किया था वैसे हम यहाँ पे करेंगे. हमें पता है कि हमारी जो ऑप्टिमल ऑप्टिमल प्राइमल वैल्यू है वो किसके इक्वल है, डुअल वैल्यू के, दैट मीन्स u इज इक्वल टू v आ जाता है. तो हम जैसे pi इज इक्वल टू pi डैश मल्टीप्लाई यू फॉर्मूला यूज करते हैं, वैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे. पहले तो हमने मैट्रिक्स ले लिया, यहाँ पे वैल्यू किसकी आ रही है, कैपिटल एक्स वन, कैपिटल एक्स टू और कैपिटल एक्स थ्री. वैसे ही करते थे ना, जैसे स्लैक वेरिएबल्स के जो भी डेल्टा जे की वैल्यू आती थी वो हमारी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की होती थी. उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाना है, हमें पता है कि वी डैश किसके इक्वल है, यू डैश के. तो यहाँ पे हमने स्मॉल एक्स वन का फॉर्मूला लगा दिया, कैपिटल एक्स वन मल्टीप्लाई यू डैश. तो कैपिटल एक्स वन आ रहा है हमारा टू बाय फिफ्टीन, वी यू डैश हमारा आ रहा है फाइव. तो यहाँ पे लिख दिया फाइव, दैट मीन्स फाइव वन द फाइव, फाइव थ्री इज द फिफ्टीन, दैट मीन्स टू बाय थ्री. ऐसे एक्स टू लिख दिया, एक्स टू क्या आएगा, कैपिटल एक्स टू अपॉन यू डैश. एक्स टू क्या है हमारा, वन बाय फिफ्टीन. तो वन बाय फिफ्टीन मल्टीप्लाई क्यू डैश आ रहा है हमारा फाइव. यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे कि हमारी जो प्राइमल वैल्यू वो किसके इक्वल है, डुअल वैल्यू के. तो फाइव वन ज फाइव, फाइव थ्री इज द फिफ्टीन, दैट मीन्स वन बाय थ्री. ऐसे हम एक्स थ्री निकालते हैं, कैपिटल एक्स थ्री मल्टीप्लाई यू डैश. कैपिटल एक्स थ्री हमारा आ रहा है जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो आंसर आ गया. सो हमारी एक्स वन एक्स टू की वैल्यू आ गई, इसको भी आप काट देना, ये हमने नहीं लगाना है. सो एक्स वन की वैल्यू आ गई टू बाय थ्री, एक्स टू की वन बाय थ्री, एक्स थ्री की जीरो. ऐसे हम वी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू ऑफ द गेम आती है माइनस कर देते हैं लैम्डा के साथ. लैम्डा हमारा कितना आया था, स्टार्टिंग में लिया था हमने फोर. ये देखो स्टार्टिंग में हमने किसके इक्वल लिया है, फोर के, क्योंकि हमने फोर की ऐड किया था ना, ये लैम्डा की वैल्यू थी हमारी. फोर को ऐड करके हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया था, पॉजिटिव बन गया था. ज्यादातर स्टूडेंट इसको करना भूल जाते हैं, तो अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू वी डैश माइनस लैम्डा. स्पेक्ट्रम में हम क्या यूज कर रहे हैं, वी नॉट इज इक्वल टू वी माइनस लैम्डा. सो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, वेयर लैम्डा किसकी इक्वल है, फोर के. तो फोर, फाइव माइनस फोर इज वन, तो वैल्यू ऑफ द गेम आ गई हमारे पास वन. ये हमारी कौन सी वैल्यू ऑफ द गेम है, न्यू वैल्यू ऑफ द गेम है. सो यहाँ पे लिख दिया टू बाय वन, टू बाय थ्री, वन बाय थ्री, जीरो. ये ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ए के लिए है. बी की क्या ही है, जीरो, वन बाय टू, वन बाय टू, और न्यू वैल्यू ऑफ द गेम हमारे पास आ गई वन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 16 मार्क्स का आएगा.
नाउ जो प्रिसाइज की ये एग्जाम्पल नंबर 18 है वो सेम थी एग्जाम्पल नंबर स्पेक्ट्रम की। ये भी हमारी एग्जाम्पल नंबर 18 है, ये हमने पहले सॉल्व कर ली थी वहां से आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट हमारी प्रिसाइज की एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 90। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।